हाय गाइस, आज मैं एंटी सेलुलाइट चाय दिखा रही हूँ जिससे जमा हुआ फैट काफ़ी जल्दी कम होगा। ये चाय सबके लिए सेफ है, खासकर पीसीओएस और पीसीओडी वालों के लिए। ये चाय पेट, आर्म्स और थाइस में जमे हुए फैट को टारगेट करती है। इस चाय से बॉडी डिटॉक्स होगी और एक्स्ट्रा वाटर वेट भी कम होगा। तो चलिए इस चाय को बनाएं। एक सॉस पैन में 2 कप पानी डालें, फिर गैस ऑन करें और उबाल आने दें। नेक्स्ट 1 टेबलस्पून मेथी के दाने, 1 टेबलस्पून सौंफ और 1 इंच दालचीनी का स्टिक डालें। अगर दालचीनी की स्टिक ना हो तो 1 टीस्पून दालचीनी का पाउडर यूज़ कर लें। अब पानी तब तक उबालें जब तक ये आधा ना हो जाए। मेथी में 25% प्रोटीन और 25% फाइबर है बाय वेट, और इसमें काफ़ी मैंगनीज, आयन और मैग्नीशियम भी है। इनसे फैट इनटेक और भूख कम होती है। ये सेलुलाइट और वज़न भी कम करते हैं। मेथी के दानों से कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, इन्फ्लेमेशन, हार्ट बर्न कम होता है और डायबिटीज़ और ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल में रहते हैं। सौंफ से मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, बॉडी से टॉक्सिन्स और एक्स्ट्रा पानी निकलता है, साथ ही लिवर में जमे एक्स्ट्रा फैट को कम करके वज़न भी कम होता है। दालचीनी से भी ब्लड शुगर रेगुलेट होता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ता है और विसरल फैट कम होता है। इससे फैट सेल्स जलते हैं और ओवरऑल हेल्थ ठीक होती है। हमेशा सीलॉन सिनेमन यूज़ करें, ना कि सादी दालचीनी जिसे कैशिया सिनेमन भी कहते हैं। आप इन दोनों में फ़र्क देख सकते हैं। अगर आप काफ़ी दालचीनी यूज़ करते हैं जैसे कुकिंग में या किसी सुबह या रात वाली ड्रिंक में, तो सीलॉन सिनेमन लेना ही आपके लिए बेहतर होगा। अब जब पानी आधा हो जाए तो गैस बंद करें और हल्का ठंडा होने दें। फिर पानी छान लें और 1 कप या कराफ में शिफ्ट कर लें। ये सारे इंग्रेडिएंट्स फिर से यूज़ नहीं करने हैं, चाहे तो दालचीनी खाना बनाने में यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो दालचीनी में मिठास है, लेकिन मेथी के दाने कड़वे होते हैं, इसलिए अगर हल्का मीठा करना हो तो चाय में 1 टीस्पून शहद या मेपल सिरप डाल सकते हैं। हर दिन 1 कप पीना है, लंच या डिनर के 45 मिनट बाद, 2 हफ्तों के लिए, और आप काफ़ी अच्छे चेंजेस देख पाएंगे। बाकी के टाइम हेल्दी खाएं, ना कि प्रोसेस्ड और जंक फूड। एक्स्ट्रा फैट कम होने लगेगा, खासकर आपके पेट से, आर्म्स और थाई से भी एक्स्ट्रा फैट कम होगा। ये चाय सबके लिए सेफ है, एक्सेप्ट प्रेग्नेंट महिलाएं और वो जो एंटीबायोटिक्स लेते हैं। ये हाईली रिकमेंडेड है डायबिटिक्स, पीसीओएस, पीसीओडी और थायराइड पेशेंट्स के लिए। डायबिटिक्स इस चाय को लेते वक्त ध्यान दें कि आपका ब्लड शुगर काफ़ी ज़्यादा कम ना हो जाए। अगर ऐसा हो तो हफ्ते में 2 से 3 बार ही पिएं। इस सुपर इफेक्टिव सेलुलाइट बस्टर वेट लॉस टी को ट्राई करें और अपने रिजल्ट्स मेरे साथ शेयर करें। आप मुझे इंस्टा और FB पर भी फॉलो कर सकते हैं, और मैं जल्दी मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक याद रखें, हर कदम आपको आगे बढ़ाता है, भले ही वो कितना भी छोटा हो। बाय बाय।